छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। दसवीं कक्षा के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके संस्कृत विषय के सघन अध्ययन में आपका स्वागत है। हमने आपको पाठ 10 तक पढ़ाए हैं और 11वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। 11वें पाठ के 2 वीडियो बन चुके हैं। तीसरे वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को लेंगे, शब्दार्थ को लेंगे और उसके बाद में 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पाठ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं के केवल 15 पाठ ही नहीं, इसके अलावा जो भी ग्रामर है, व्याकरण पूरी की पूरी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। तो देखते हैं 11वां पाठ। 11वें पाठ का अनुवाद हमने पिछले 2 वीडियो में करवा दिया। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बहुत ही कम हैं, इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर पीछे वाले पूरे पाठ का, यानी पूरे पाठ का एक बार फिर से हम हिंदी ट्रांसलेट बोल देते हैं, जिससे कि आपका रिविज़न हो जाए। उसके बाद में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आमुख से, एक बार फिर से आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर अनुवाद करवा देते हैं। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित हैं। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखी हुई है। उनका संकलन एकांकी संस्कृत रत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही विरचित ग्रंथ में है। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में अप्रसन्न महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह ने आकर के अपनी बहुत बड़ी धनराशि को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर दिया। इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप के कर्तव्य बुद्धि, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश रक्षा के लिए और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि, इस प्रकार आदि विशेष गुण वर्णित है। अब अमुक पूरा हो गया, पाठ को शुरू करते हैं। लीजिए, इस पाठ के अंदर लिखा हुआ है स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है, कैसे रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। वह प्राणों से भी अपने देश की रक्षा करने की इच्छा करते हैं। साधनों के अभाव से कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ सोच रहे हैं। प्रताप, अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ रहने से मेरे क्या प्रयोजन है। लंबी सांस लेते हैं। इसके बाद प्रवेश होता है किसी राजपूत सरदार का। सरदार राजा के लिए उचित प्रणाम करके, जय हो महाराज की जय हो। प्रताप लंबी सांस लेकर के और मुख ऊपर करके, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। सरदार प्राणाधार, यह आप क्या कह रहे हो। अपने धर्म के लिए आपके द्वारा सब कुछ भी किया गया, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया, आपकी हमेशा विजय ही होगी। इसके बाद में प्रताप, तो कैसी विजय, अपने देश को त्यागने के लिए तो तैयार हूँ। दूसरा सरदार उठकर हाथ जोड़ करके, नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी पीछे पीछे जाएंगे। प्रताप, ऐसे नहीं कहते, आप सभी यहाँ पर रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो। तीसरा सरदार, नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ है, हम आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप, जो आप सभी को अच्छा लगता है करो, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप के साथ सभी भी अनुचर वहाँ से उठकर भीलों के आवाज के बीच में से निकलते हैं। पहला भील, अरे भगवान, आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपने देश को छोड़कर के दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरा भील, न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हे दीनदयाल, हे भगवान, तुम भी अब इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो। तीसरा भील, अरे धिक्कार है, बेचारे के पास में न जीवन सामग्री है और न ही युद्ध सामग्री ही दिखाई दे रही है।
मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं, रोता है। भीलों के रोने की आवाज़ को सुनकर एक साथी, अरे धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं, यह समय देश के लिए और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, तलवार निकालकर प्रताप को देते हुए, हे प्रभु आप मेरी इससे बलि दे दो। अपनी आंखों से मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा देख नहीं सकता हूँ। दूसरा साथी, सच में ही इस समय जीवन नरक जैसा लग रहा है। सभी भील, हाँ हमारा भी जीवन से क्या लाभ है यदि हम सभी देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब मरना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। प्रताप, अरे धिक्कार है, आप सभी इस प्रकार क्या कह रहे हो, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, रुक जाओ, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का कार्य है, कुछ धैर्य से विचार करो। पीछे से आवाज़ होती है, रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ। प्रताप परिचित आवाज़ की तरह सुन कर के उत्साह के साथ, अरे सरदार वृक्ष पर चढ़कर देखो तो कौन आवाज़ लगा रहा है। सरदार उसी प्रकार अच्छी तरह से देखते हुए, महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशाह की तरह कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रताप, क्या कहा, भामाशाह, उनको यह कैसे ज्ञात हुआ, ठीक है तो प्रतीक्षा करते हैं उनकी। भामाशाह धन की गंठरी को लेकर आते हैं। भामाशाह प्रणाम करके, अन्नदाता सेवक को छोड़ करके कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं श्रीमान जी। प्रताप लंबी सांस लेकर, कहीं पर भी नहीं भाई, जा भी तो नहीं सकता, पास में धन नहीं है और न ही सेना ही है, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, इससे ही मन चकरा जा रहा है। भामाशाह, महाराज जब इन समाचारों को सुना तब मेरा हृदय टूटा हुआ सा हो गया, धन की गंठरी को दिखाकर, यह है फिर संपत्ति किस काम के लिए, यदि ऐसे ही अवसर पर यह है उपयोग में नहीं आती है। प्रताप, आप सत्य कह रहे हैं। भामाशाह, यदि ऐसा है तो आपकी संपत्ति श्रीमान जी के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है और इन लोहे की बनी भुजाओं से प्रतंत्रता की बेड़ियां तोड़ दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए अपने देश को, धर्म की रक्षा कीजिए, धन की ग्रंथी को दोनों चरणों में अर्पित करके प्रणाम सहित। प्रताप आश्चर्य के साथ, यह आप क्या कह रहे हो, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हुई, क्या इससे मेरा अपमान नहीं होगा, मैं दी हुई संपत्ति को पुनः नहीं लेता हूँ। भामाशाह विनम्रता के साथ, महाराज मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, तुच्छ सेवक में क्या शक्ति है जिसके द्वारा वह वैसा दुस्साहस कर सके, ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए, देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप प्रसन्नता के साथ लेकर के, धन्य हो मंत्रीवर, धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है, बताइए तो मित्रवर इसमें कितनी संपत्ति है। भामाशाह प्रसन्न मुख होकर प्रणाम करके, महाराज इतनी ही थोड़ी सी है कि इसके द्वारा 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं। अहो, प्रताप कहते हैं, अहो अरे तब तो क्या कहना, बहुत बड़ा कार्य इसके द्वारा सफल होगा। सभी को संबोधित करते हुए, आज इसी पल से राणा अपने देश की प्रतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने के लिए और शत्रुओं को संहार करने के लिए और धर्म की
रक्षा करने के लिए युद्ध करेंगे अवश्य युद्ध करेंगे। भामाशाह को लक्ष्य बना करके, धन्य हो मित्र धन्य, आओ तुम्हें अच्छी तरह से आलिंगन करने की इच्छा करता हूँ। भामाशाह संकोच के साथ प्रताप के पास जाकर, मैं अनुग्रहित हुआ हूँ स्वामी। इसके बाद दोनों भी प्रेम से आपस में आलिंगन करते हैं। दोनों के मिलन को देखकर सभी सहचर प्रसन्नता के साथ, महाराणा प्रताप धन्य हैं। और फिर मंत्रीवर भामाशाह धन्य हैं, दोनों का मिलन धन्य है, हम सभी धन्य हैं और समय भी धन्य हैं, और फिर पवित्र दृश्य भी धन्य है। अपने देश की जय हो, महाराणा की जय हो, भामाशाह की जय हो। पर्दा गिरता है, पटाक्षेप है, यानी कि पर्दा गिरता है, पटाक्षेप है, पर्दा गिरता है, मतलब नाटक पूरी होगी। देख लीजिए, ये अभी हमने 11 मिनट में ये पूरा पाठ क्लियर कर लिया है। तो इस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये पाठ पढ़ाया है, और पहले के जो दो वीडियो थे उसमें हमने एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन करते हुए 1.5 घंटे में, दोनों वीडियो को मिला करके 1.5-2 घंटे में एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन करवाया था, और यहाँ पर केवल 11 मिनट में पूरा अकॉर्डिंग टू ग्रामर शब्दों का हिंदी अनुवाद बोला था। अब अपन लेते हैं शब्दार्थ। चलिए अब अपन लेते हैं शब्दार्थ। सबसे पहले शब्दार्थ लेते हैं पाठ के बाद में, उसके बाद में प्रश्नोत्तर लेंगे। अधिपति यानी राजा, अरण्य वने, ये संस्कृत टू संस्कृत लिखे हुए, हम आपको हिंदी में बता देंगे। यहाँ पर सप्तमी एक वचन है, वन में जंगल में, सहचरेण सहयोगिना, सहचर के साथ, या वो द्वितीय विभक्ति की वजह से तृतीय विभक्ति की वजह से हो जाएगा। शिलायाम पर्वत खंडे, शिला पर, पत्थर के टुकड़े पर, उपविष्ट है स्थित है, बैठे हुए हैं। साधना भावात, साधना नाम अभावात, साधनों के अभाव से, कश्चन कोई, राजोचितम राजानुरूपम राजा के लिए उचित, उन्नमय है उत्थाप्य यानी उठकर, स्वाधीनता यही स्वतंत्रता यही स्वतंत्रता के लिए, सोढ़म विषोढ़म सह यानी सहन किया, ये हिंदी लिख दिया इसने, समुद्यतः समुद्ध यानी तैयार हुए, सांजलि अंजलि सहितम प्रणाम पूर्वकम हाथ जोड़कर, अनुगमिष्यामे अनुगमनम करिष्यामे है अनुगमन करेंगे पीछे पीछे चलेंगे, भिल्ल है भील इति भाषायाम भील, ठीक है ना, कोई जाति, निस्सरंती गच्छन्ति जाते हैं निकलते हैं जाते हैं, परित्यज्य त्यक्त्वा छोड़कर, इयान एतावत इन सभी को, निष्ठुर है संवेदनाहीन है जिसमें कोई दया नहीं हो, वराकस्य है असहास्य बेचारे की, असीम वो सी बड़ा नहीं असीम है, खड़गम तलवार निस्साय वही कृत्वा बाहर करके, सांप्रतम अधुना इस समय, नरकायते नरकमेव भवति नरक की तरह हो गया, देश रक्षा यही देशस्य रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए, श्रेयस्क्रम उचितम योग्य, आत्महननम आत्महत्या सुसाइड, महत पापम अत्यंत पापम बहुत बड़ा पाप, स्थीयताम तिष्ठन्तु ठहरो, सोढ़वा भुक्त्वा सहन करके, कल्याणकारी आकर्णीय सुनकर, सोत्साहम उत्साहपूर्वक उत्साह के साथ, सर्वदार ये बड़ा सरदार, इति भाषायाम सरदार इस प्रकार की इस भाषा में, आरुह्य आरुणम कर्त्वा चढ़कर निपुणम ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से ध्यान देकर के, निरीक्षमाण है निरीक्षण कुर्वन निरीक्षण करते हुए, प्रतीयते आभासते लग रहा है उक्तम वदति कहता है या कहा, अभूत अभवत हुआ, प्रतीक्षा कुर्महे प्रतीक्षा कर रहे हैं, धनराशि ग्रंथम धनस्य पोटले इति भाषायाम धन के पोटले इस प्रकार हिंदी में, आदाय गृहित्वा लेकर, आयाति आगच्छति आता है, प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणाम करके, अन्नदाता भरण पोषण करता अन्न देने वाला पालन पोषण करने वाला, क्वा यानी कुत्र वैर कहाँ पार्श्वे निकटे पास में, दोलायितम कंपन युक्तम यानी कंपन कर रहा है यानी चक्रा जा रहा है, उपयुज्यते उपयोगम कुर्यात उपयोग किया जाता है, त्रोट्यत्वा त्रोट्यताम भग्नाम कुर्वन्तु त्रोड़ देना चाहिए,
पारतंत्रीय श्रृंखला प्रतंत्रता या बंधनम प्रतंत्रता की बेड़िया भवदिया तव तुम्हारा आपका मदिया मम मेरा आददामी स्वीकरोमी यानी लेता हूँ ग्रहण करता हूँ विधीयताम करो तू मंत्रीवर्य मंत्रीश्रेष्ठ ईयति एतावती इतनी शक्नुवंती समर्था भवंती समर्थ हो सकते हैं मे टू एबल सेत्स्यति सिद्धम भविष्यति सिद्ध हो सकता है योत्स्यति युद्धम करिष्यति गाढ़म अत्यधिकम अत्यधिक बहुत अच्छा अभिलेषामि इच्छामि इच्छा करता हूँ ससंकोचम संकोचपूर्वक यानी संकोचपूर्वक उपसृत्य निकटम गत्वा पास जाकर अनुग्रहित है धन्य। इस तरह से कुछ तो संस्कृत और संस्कृत लिखते ही समझ में आ गया और कुछ आपको पर्सनली बता दिया और सारे शब्दों के एक एक शब्द पर ग्रामर हमने पाठ के दौरान बता दिया इसलिए यहाँ पर उचित नहीं समझा। देखते हैं अब प्रश्नोत्तर। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। महाराणा प्रताप राजा आसीत। महाराणा प्रताप राजा थे जी के क्वेश्चन। मेवाड़ मारवाड़ राज्य के मेवाड़ राज्य के भरतपुर राज्य के अलवर राज्य के तो क्या होगा मेवाड़ राज्य के जिसमें ख राइट होगा ठीक है ना। महाराणा प्रताप कष्टम स्वीकृति धन संग्रहणार्थम राज्य सुखाय देश से स्वाधीनताय भोजनाय भोजन के लिए राज्य सुख के लिए धन संग्रहण के लिए या देश की स्वतंत्रता के लिए तो ये राइट होगा देश की स्वतंत्रता के लिए। किम महत पापम क्या बहुत बड़ा पाप होता है आत्मदनम आत्म इच्छा आत्महनन या आत्म प्रशंसा आत्महनन यानी आत्महत्या। अब आपके जो है चौथा क्वेश्चन किम कल्याणप्रदम उच्यते वीरगत्या मरणम आत्मानम परनिंदा आत्म प्रशंसा। वीरगति से मरना अपने आप की हत्या करना आत्महत्या करना दूसरों की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना तो कल्याण पर तो भाई वीरगति से मरना ही है अकॉर्डिंग टू दिस लेसन। महाराणा प्रताप कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति धन के द्वारा प्राणों के द्वारा विचारों के द्वारा और घोषणाओं के द्वारा तो महाराणा प्रताप अपने प्राणों के द्वारा भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। अब लेते हैं अपने लघुत्रात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्ट है आसीत तो इसका आंसर होगा आपके ये ठीक है ना। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला उत्तर है महाराणा प्रताप एकस्याम शिलायाम उपविष्ट है आसीत। महाराणा प्रताप एक शिला पर बैठे हुए थे तो ये पहले का आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है भामाशाह है क्या आसीत भामाशाह कौन थे तो इसका आंसर ये होगा कि भामाशाह मेवाड़ राज्य से मंत्री आसीत। भामाशाह मेवाड़ राज्य के मंत्री थे क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति तो इसका आंसर होगा ये ठीक है ना। तीसरे का आंसर ये होगा भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। भामाशाह धनराशि की ग्रंथि को लेकर के प्रताप के पास आते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन प्रताप कस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ है प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं तो इसका आंसर आपका ये होगा चौथे का आंसर यही होगा प्रताप धनस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ है प्रताप धन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि बिल्ला किम कर्तुम उद्यता भवंती भील क्या करने के लिए तैयार हो रहे थे तो इसका आंसर बनेगा बिल्ला आत्महननम कर्तुम उद्यता भवंती भील आत्महननम यानी आत्महत्या कर्तुम उद्यता यानी करने के लिए तैयार होते हैं या फिर इसका आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो बिल्ला आत्मबलिदानम कर्तुम उद्यता भवंती भील आत्मबलिदान करने के लिए तैयार हो रहे थे ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि निबंधात्मक प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं क्योंकि इन्हें तो आपको किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी नहीं पूछे जाते हैं और जो निबंधात्मक प्रश्न हो शॉर्ट आंसर के बन रहे हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए होते हैं क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में या लोकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये इस तरह से निबंधात्मक प्रश्न आप तभी कर पाते हैं जब आपको पूर्ण रूपेण संस्कृत आती हैं और वो तब आएगी जब आप हमारे चैनल पर जो पूरी ग्रामर पढ़ाई हुई व्याकरण पूरी की पूरी समझ लोगे तो एज ए टीचर आपको जितना टीचर को आता है उतना आपको आएगा लेकिन कुछ टीचर को भी इतना नहीं आता है जितना आपको आएगा क्योंकि ग्रामर के अलावा किसी भी लैंग्वेज को आप क्लियर नहीं कर सकते ठीक है ना। तो अब लेते हैं नेक्स्ट व्याकरणात्मक प्रश्न
व्याकरणात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानाम समास युक्तानाम पदानाम समास नामो लेखम सहितम विग्रहम कुरुत। निम्नलिखित समास युक्त शब्दों का समास का नाम का उल्लेख करते हुए विग्रह करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर पहला है क, क के अंदर लिखा है महत पापम, इसका विग्रह क्या होगा? महान च असो पाप महत पाप, ठीक है ना, महत च असो महत च इदम पापम, महत च इदम पापम, तो उसका समास का नाम हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है ना। इस तरह से महत च इदम, इदम के अंदर दे के ऊपर अनुस्वार है, मैं अलंत नहीं आएगा क्योंकि अब बाद में व्यंजन आ रहा है, इसलिए इदम पापम, इस तरह से हो जाएगा कर्मधारय समास। परमेश्वर है तो परम च असौ ईश्वर है, और ये भी कर्मधारय है, ठीक है ना। इस तरह से परम च असौ ईश्वर है और ये भी कर्मधारय है। तुच्छ सेवक है, तुच्छ है च असौ सेवक है, सब आपके विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है, और ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तुच्छ है च असौ सेवक है, वीर पुरुष है, वीर है च असौ पुरुष है, ये भी कर्मधारय समास है, और वीर पुरुष है के अंदर आपका बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा, वीरः च यस्मिन् तस्मिन् च, तो इस तरह से वीर पुरुष जहाँ पर रहते हैं उस गांव को क्या कहेंगे, वीर पुरुष है, तो कर्मधारय भी होता है और तत्पुरुष आपने बहुव्रीहि भी होता है, तो यहाँ पर इसका कर्मधारय ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद का है, निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद ही करना है केवल। देखिए अनेन एव, यहाँ पर नए के ऊपर दो मात्रा, ये आपका विकार है, ठीक है ना, तो अनेन प्लस एव, इस तरह से आपकी ये वृद्धि संधि है स्वर संधि की, और इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा अनेन एव, ठीक है। अब धन्यो असी, इसके अंदर पूर्व रूप संधि है, धन्य है प्लस असी, धन्य है प्लस असी। उसके बाद में राजोचित, इसके अंदर राजा प्लस उचित होगा आपके गुण संधि, ये आपको हो गया राजा प्लस उचित, ठीक है ना, राजा ही उचित है, राजा के लिए उचित। अब दे ये तत, यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है, और वो ई उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है, यहाँ पर ह के बाद में यह, यह के अंदर एक ही मात्रा है, तो मात्रा बाद वाले शब्द की शुरुआत है, तो यहाँ पर ए तत् बन गया अलग से, ये ए कौन सा है, ये ए इस है के अंदर है वो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे और है आधा था, उसके अंदर यह का जो ई बड़ा वो जुड़ गया, दे ही ए तत्, इस तरह से आपका ये संधि विच्छेद हो गया, यण संधि इसमें। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कोष्ठगत संकेतानुसारम रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरु, कोष्ठक में दिए हुए संकेत के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आवाम विद्यालयम, अब आवाम के साथ कौन सा लगता है, ये चीज़ आप हमारे चैनल पर पुरुष पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के कर्ता फिक्स होते हैं, ये आवाम है ना, अहम आवाम वयम, ये तीनों उत्तम पुरुष के हैं, तो अहम एक वचन की, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का, आवाम है उत्तम पुरुष की द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, गम का गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छते गच्छामि गच्छावः, तो यहाँ पर क्या होगा, गच्छावः, ठीक है ना, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, इस तरह से। यदा श्याम है, अब पच धातु का क्या होगा, तदा मोहने, फिर खाद धातु का, पच का मतलब पकाना, खाद का मतलब खाना, जब श्याम पकाएगा तभी मोहन खाएगा, तो यहाँ पर जब श्याम पकाता है तब मोहन खाता है, तो यदा श्यामे पचती तदा मोहने खादती, इस तरह से इसका रूप बन गया। अब सुधीरे नरेंद्रेण से विद्यालय, पट का क्या होगा, सुधीर प्रथमा एक वचन है, मतलब प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में अनाप शनाप करता होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या, सुधीर एक वचन है, तो क्या आएगा, पठती, ठीक है ना, सुधीर नरेंद्र के साथ विद्यालय में पढ़ता है। युवाम अत्र किम क्री, क्री धातु के अंदर देखो युवाम है, युवाम त्वैम युवाम यूयम, तो यहाँ पर देखिए क्री धातु का लट लकार में लिखना है, तो आपके देखो त्वैम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के करता है और फिक्स है, तो क्री धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन है युवाम, तो देखिए इसका क्री धातु का रूप चलता है करोति कुरुते कुरुवंती करोषि कुरुथ कुरुत, तो कुरुथ है आएगा यहाँ पर विसर्ग वाला, अगर बिना विसर्ग वाला आता तो यहाँ पर यूयम आता, यूयम के अंदर उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन होता है और युवाम के अंदर मध्यम पुरुष द्विवचन होता है। अब लेते हैं चौथा सवाल, चौथे सवाल के अंदर आपको अशुद्ध वाक्य दिए हैं, उनको शुद्ध लिखना है कारक के दृष्टिकोण से।
निम्नलिखित वाक्यानि संशोधयन्, निम्नलिखित वाक्यों का संशोधन करो। पुत्रम सह पिता आगच्छति, तो सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, ये अपन ने पाठ में पढ़ा था। तो यहाँ पुत्रम द्वितीय है, तो इसकी जगह तृतीया कैसे होगा? ऐसे होगा, ये आपको पुत्रम की जगह पुत्रेण लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना शुद्ध हो जाएगा। पुत्रेण सह विद्यालय, पुत्रेण सह पिता आगच्छति, क्लियर हुआ? ये हो गया। अब उदयपुर से पुरतः जलम अस्ति, उदयपुर के सामने जल है, तो सामने तो ठीक है, उदयपुर के षष्ठी लग रहा है, लेकिन परितः के योग में हमेशा द्वितीय होती है, इसलिए उदयपुरम होगा। क्लियर हुआ? उदयपुरम परितः जलम अस्ति, क्लियर। फिर हरि नमः, तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय नहीं होगा। हरि को नमस्कार, तो आपको लग रहा है कि को द्वितीय में को होता है, लेकिन वो सिर्फ आपके शब्द रूप के अनुसार होना जरूरी नहीं है। नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः स्वस्ति स्वास्वेदा अलम वसट, इन सारे शब्दों के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति हरिये होगी, क्लियर। अब धर्माय विना न जीवनम, तो विना शब्द के योग में चतुर्थी नहीं होती है, तो कौन सी होती है? द्वितीय होती हैं, और उसके बाद में तृतीय होती हैं, फिर आपके षष्ठी भी हो सकती हैं, लेकिन चतुर्थी नहीं होती, पंचमी, सॉरी, द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये तीन विभक्तियाँ आप विना शब्द के योग में, विना, नाना और पृथक, इनके योग में तृतीय भी अन्य दृश्यम सूत्र से तीन विभक्तियाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन द्वितीय लगा देते हैं, ये आपके द्वितीय लगा दी। क्या लगाओगे? धर्माय की जगह धनम लिख दो, धनम विना न सुखम, इसकी जगह आप तृतीय विभक्ति द्वितीय की तृतीय लिख सकते हैं, तो तृतीय में क्या? धर्मेण, धनेन, धनेन विना सुखम, तो भी राइट होगा। पंचमी लगा सकते हैं, धनात विना न सुखम, तो पंचमी भी राइट होता है, यानी तीनों राइट है, लेकिन चतुर्थी कदापि राइट नहीं है। ये हो गया चौथा। अब लेते हैं पाँचवा और अंतिम क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके स्थूल पदानी आधारीकृत प्रश्न निर्माण करो। स्थूल अक्षरों को, अक्षरों वाले शब्दों को आधार बना करके प्रश्न बनाने हैं। आत्महनन मैत पापम अस्ति, तो प्रश्न निर्माण करना आपको मैंने पहले वाले पाठों में भी समझाया था, और अलग से वीडियो बना करके आपको समझाया जा रहा है। आत्महननम महत पापम, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, तो आत्महनन की जगह किम आ जाएगा? किम महत पापम अस्ति, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हम यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, आत्महनन की जगह आपको किम लिखना है, बाकी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिखना है। अनेन द्वादश वर्षाणि यावत पंचविंशति सहस्रम सैनिका सहस्रम योद्धुं शक्नुवन्ति, इसके द्वारा 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग है जो है 25,000 की जगह लिख सकते हो कितने, और कितने को संस्कृत में क्या कहेंगे? कति, ठीक है ना? तो आप क्या लिख सकते हो? कति। तो पंचविंश सहस्त्र की जगह कति लिख दोगे, बाकी सेम टू सेम खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिख दोगे लास्ट में, ठीक है ना? कति भी लिख सकते हो, कियत भी लिख सकते हो, कितने। महाराणा प्रताप है अरण्य एकस्याम शिलायाम, तो ये सारा सारा का सारा आपके अंडरलाइन है, मतलब ये आपके हाईलाइट है। तो अरण्य की जगह आपको सप्तमी एक वचन, और एकस्याम शिलायाम ये स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन किम सर्वनाम शब्द लिखना पड़ेगा, ये स्त्रीलिंग में किम सर्वनाम सप्तमी एक वचन लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा? लेकिन ये जगह का नाम है, इसलिए सप्तमी एक वचन किम सर्वनाम शब्द नहीं आएगा। अरण्य एकस्याम शिलायाम, तो महाराणा प्रताप सबकी जगह आप कुत्र लिख सकते हैं, कुत्र उपविष्ट वर्तते, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया महाराणा प्रताप कहाँ पर बैठे हुए हैं। विजेताम महाराज, महाराज की जगह आप अंडरलाइन में प्रथमा एक वचन है, तो इसकी जगह आप कह लिख सकते हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह। विजेताम का, किसकी विजय? विजेताम महाराज, महाराज की जय। अब देश रक्षा यही भवताम वीरता धीरता चय, आपकी वीरता और धीरता देश रक्षा के लिए मानतम सहयोगम कृतवती, मान सहयोग किया था, आपकी वीरता और धीरता ने देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया था। तो के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति है, तो इसकी जगह किम सर्वनाम शब्द का रूप चलेगा, तो चतुर्थी एक वचन में आ गया कस्मई, किसके लिए, ये की पुल्लिंग है इसलिए कस्मई आएगा, सॉरी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो कस्यई आएगा, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। कस्यई स्त्रीलिंग के लिए आता है, रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, कस्यई किसके लिए, मानत सहयोग कृतवति, बहुत बड़ा सहयोग किया, तो पुल्लिंग होता तो कस्मई आ जाता, स्त्रीलिंग में आपके कस्यई। इसी के साथ में ये पाठ पूरा हो गया। आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे चैनल पर केवल ये 11वां पाठ ही नहीं है, 12वां 13वां 14वां 15वां भी उपलब्ध है, यानी पहले से लगाकर 15वें पाठ तक सारे के सारे अध्ययन के लिए आपके इस चैनल पर उपलब्ध हैं।
और समय समय पर आपको गाइड भी किया जाएगा। और संस्कृत व्याकरण का जो हमारे आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें 40 से 50 वीडियो संस्कृत व्याकरण के बने हुए हैं। उसके अंदर आप एक एक टॉपिक पहले आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले शब्द रूप और धातु रूप देख लें और उसके बाद में एक एक उसको रटते रहें, समझते रहें, ठीक है ना। अब शब्द रूप धातु रूप आप एक एक याद करते रहें और साथ साथ में आप सबसे पहले क्या देखें, आप नोट कर सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप पुरुष का वीडियो देखें, उसके बाद में वचन का देखें, उसके बाद में लिंग का देखें। और पुरुष का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य रचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद में जो वीडियो है आपके प्रत्यय देखना, आपको प्रत्यय बहुत अच्छे से समझाया हुआ, आपको भी हमने जो शॉर्ट वहाँ पर एक मतलब संक्षिप्त रूप में एक ही पेज पर सारे प्रत्यय समझाए तो आपको भी एक प्रत्यय के पीछे नहीं पड़ना, आपको वैसे हमने वहाँ पर संक्षिप्त रूप में समझाया है। अभ्यास केवल आप संस्कृत व्याकरण की कोई भी बुक निकालेंगे वहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हो। आप की पुस्तक के पीछे भी दिए हुए हैं संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक दिए, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद में, यानी आप अशुद्धि संशोधन पढ़ेंगे, संस्कृत से हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, हिंदी से संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद में पुरुष वचन और प्रत्यय वगैरह समास वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद में आप पढ़ेंगे वाच्य, क्योंकि वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको समझ में आ गया आपको तो उसके बाद में आपको संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। क्योंकि सारे टॉपिक समझ में आएंगे तभी तो वाच्य समझ में आएगा। वाच्य एक ऐसी कसौटी है संस्कृत व्याकरण की, जिसको समझ में आ गया उस वो संस्कृत में पार हो गया, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम भगवान से अलविदा भगवान से ये आग्रह चाहेंगे कि आप सबका भला करें, लेकिन शुरू हमसे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6 से 10 संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें।